ओके, अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्फा बीटा प्रो में। इससे पहले मिनीमैक्स एल्गोरिथम आप लोगों ने देख लिया होगा। दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मिनीमैक्स एल्गोरिथम। ये कोई अलग से कोई एल्गोरिथम नहीं है, उसी की एक्सटेंशन है, उसकी एफिशिएंसी को बेटर बनाने के लिए। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग बेसिकली मिनीमैक्स में हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास एक ट्री गिवन था और हमारे पास एडवर्जेरियल सर्च हम परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि दो ओपोनेंट्स थे जो आपस में गेम खेल रहे हैं, एक मैक्स है एक मेन है। मैक्स प्लेयर जो होगा वो हमेशा अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा और मेन प्लेयर हमेशा अपने स्कोर को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों ओपोनेंट्स हैं। तो हमारे पास स्टेटिक इवेल्युएशन फंक्शंस होंगे या हर नोट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो हमें एट द एंड ऑफ गेम मिल रही होगी। सही है, जैसे कि यहाँ पर हम कह देते हैं हमारे पास एग्जाम्पल में गिवन था इन लीफ नोट्स की स्टेटिक वैल्यूज़ हैं या एवेल्युएशन फंक्शंस हैं जो हमें गिवन हैं, और इनके थ्रू हम मिनीमैक्स एल्गोरिथम से स्टार्टिंग फ्रॉम द लीफ नोट हम बताते हैं किसी भी नोट की वैल्यू क्या होगी। सही है, तो दो प्लेयर्स हैं हमारे पास, एक मैक्स है एक मैन है। मैक्स और मैन दोनों अल्टरनेटली खेल रहे हैं, तो पहली बारी यूजुअली मैक्स की होती है, देन नेक्स्ट टर्न मैन की होगी, देन नेक्स्ट मैक्स की, देन मैन की, इस तरह अल्टरनेटली दोनों खेलते रहेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लीफ नोड हम ये डिसाइड कर रहे थे अगर मैक्स प्लेयर है तो वो चूज़ किसको करेगा, अपने चाइल्ड में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसको चूज़ करेगा, वो वाला मूव लेगा जो उसको मैक्सिमम स्कोर दे रहा होगा। मेन प्लेयर जो होगा वो उस नोड को सिलेक्ट करेगा जो उसे मिनिमम स्कोर दे रहा होगा। तो अब अगर सपोज मेरे पास ये नोड है, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है। सही है, तो हमारे पास अल्फा बीटा प्रूनिंग में हम ये कह रहे होते हैं कि अब जो हम सर्चिंग कर रहे होंगे, बजाय इसके कि मैं पूरे ट्री को जाकर सर्च करूं, हमारे पास जब गेम ट्रीज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, हम देख चुके हैं। तो बजाय इसके हम पूरे ट्री को सर्च करें, हम कुछ नोड्स को प्रून कर देते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रूनिंग। सही है, हम कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं होती, उसके बगैर भी मुझे इस नोड की वैल्यू पता चल जाएगी। सही है, तो ऐसी नोड्स जिन पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, या ऐसे लीफ नोट्स जिन पर जाने के बाद मुझे कोई रिजल्ट में चेंज नहीं मिलेगा, मैं उन लीफ नोट्स को क्या कर दूंगी, प्रून कर दूंगी, या मैं उन जगहों पर जाऊंगी ही नहीं। सही है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अल्फा बीटा प्रूनिंग, मिनीमैक्स एल्गोरिथम का ही एक्सटेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास अल्फा बीटा प्रूनिंग, हम कहते हैं इसको इसलिए क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, वन इज़ अल्फा एंड अदर इज़ बीटा। एट एवरी पॉइंट हमें ये देखना होगा कि अल्फा की वैल्यू जो है वो अल्फा की वैल्यू हमेशा बीटा से कम होनी चाहिए। कभी भी इस तरह की कंडीशन मीट होती है ना कि अल्फा की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन या इक्वल्स टू बीटा, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उस ट्री के पार्ट्स को प्रून कर देंगे, हम उनको अपनी सर्च में शामिल नहीं करेंगे। सही है, तो एट एवरी नोड हमें ये देखना होगा कि अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन बीटा हो, कभी भी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू बीटा ना हो। सही है, तो स्टार्टिंग अब इनिशियली हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं पता, ये बेसिकली एक अपर और लोअर बाउंड्री है, इनिशियली हमें नहीं पता। तो हम अज्यूम इसको कर लेंगे कि अल्फा इज़ माइनस इन्फिनिटी, अल्फा जो होता है वो मैक्स प्लेयर के लिए होता है और बीटा मिन प्लेयर के लिए होता है। तो मैक्स प्लेयर क्या करेगा, हमेशा अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करेगा। इनिशियली मुझे अल्फा की वैल्यू नहीं पता तो हम इसको इनिशियलाइज किसी बहुत ही छोटी वैल्यू से कर देते हैं, तो मैं इसको इनिशियली कह देती हूँ ये जो अल्फा की वैल्यू है दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी। सही है, इसी तरह हम बीटा इज़ फॉर मिन प्लेयर, हमें इनिशियली बीटा की वैल्यू नहीं पता, मिन प्लेयर हमेशा क्या करता है अपने स्कोर को मिनिमाइज करता है, तो इनिशियली हमें बीटा की वैल्यू नहीं पता, हम इसे कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू रख लेते हैं, हम कह देते हैं ये प्लस इन्फिनिटी। तो हमारी जो विंडो होगी वो इनिशियली क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो मुझे अभी फ़िलहाल इस नोट की वैल्यू नहीं पता, मैं ये कहूँगी अल्फा की वैल्यू इज़ माइनस इन्फिनिटी, बीटा की वैल्यू इज़ प्लस इन्फिनिटी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोड हम जब ट्री सर्च करते हैं, हम डेप्थ फर्स्ट सर्च फॉलो करते हैं, हम डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या कर रहे होते हैं, हम डेप्थ वाइज जा रहे होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोड मैं इस नोड पर जाऊंगी, फिर इसकी डेप्थ, फिर इसकी डेप्थ, फिर इसकी डेप्थ, जब पूरी डेप्थ खत्म हो जाएगी तो फिर हम दोबारा नेक्स्ट नोड को ट्रेवर्स करेंगे। तो ये जो विंडो है ये अभी आगे ये पास कर देगा अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ये आगे अपने चाइल्ड को पास करेगा माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। सही है, तो यहाँ पर आने के बाद अब टर्न किसकी है, मैक्स प्लेयर की। यहाँ पर हमें पता है कि टर्न किसकी थी, मैक्स प्लेयर की।
मैक्स प्लेयर क्या कर रहा होगा, ये स्कोर को मैक्सिमाइज करेगा। मैक्स प्लेयर का मतलब है कि वैल्यू कौन सी चेंज होगी, अल्फा की वैल्यू। मैक्स प्लेयर बीटा की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, बीटा की वैल्यू को कौन चेंज करेगा, मिन प्लेयर चेंज करेगा। तो हमारे पास फर्स्ट नोड की वैल्यू यहाँ पर जो से मिल रही है दैट इज़ वन। तो वन और माइनस इन्फिनिटी में बड़ी कौन सी वैल्यू है, वन बड़ी है या माइनस इन्फिनिटी बड़ी है? ऑब्वियसली वन बड़ी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से माइनस इन्फिनिटी हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, वन। सही है। इसी तरह से जब वो नेक्स्ट नोड को देखेगा, वो देखेगा कि अल्फा की वैल्यू अभी फ़िलहाल वन है, अब जब मैंने इस नोड को ट्रेवर्स करा तो मुझे इस वन से बड़ी वैल्यू मिल रही है दैट इज़ टू। सही है। तो अल्फा की वैल्यू वन बड़ी है या टू बड़ी है? टू बड़ी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वन की जगह क्या आ जाएगा, टू। नेक्स्ट टाइम वो जब थ्री को देखेगा तो थ्री थ्री बड़ी है या टू बड़ी है? यहाँ पर थ्री बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थ्री। सही है। तो अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू चेंज हो गई है, अल्फा की वैल्यू पहले माइनस इन्फिनिटी थी, अब क्या हो गई है, थ्री। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ये अपने पेरेंट को पास करेगा। अब ये पेरेंट कौन सा प्लेयर है, दिस इज़ अ मिन प्लेयर। मिन प्लेयर किसको चेंज करेगा, बीटा की वैल्यू को, वो अल्फा की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, मिनिमाइजिंग प्लेयर है। अच्छा, अब हम बीटा की वैल्यू अगर देखें तो बीटा की वैल्यू फ़िलहाल क्या है, प्लस इन्फिनिटी। अब प्लस इन्फिनिटी, थ्री और इन्फिनिटी, इन सब में से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, मिनिमाइजिंग प्लेयर हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा अपने स्कोर को। तो इनमें सबसे कम कौन सी होगी, इन्फिनिटी से ज़्यादा कम इस थ्री, तो यहाँ पर इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, थ्री। ये जो वैल्यू है ये अपने चाइल्ड को पास करेगा, दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी एंड थ्री। और ये जो चाइल्ड है दैट इज़ अ मैक्सिमाइजिंग प्लेयर, मैक्सिमाइजिंग प्लेयर अल्फा की वैल्यू को चेंज करेगा। इसका स्कोर यहाँ पर इसको क्या मिलता है, इस नोड का जो इवेल्युएशन फंक्शन है दैट इज़ फोर। तो फोर और माइनस इन्फिनिटी में बड़ा कौन सा है, फोर, तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, माइनस इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, फोर। अब ये जो कंडीशन थी जो मैंने शुरू में कही थी कि कहीं पर भी किसी पॉइंट पर भी अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा नहीं होनी चाहिए, जैसे ये कंडीशन मीट होती है तो हम क्या कर देंगे, हम ट्री को प्रून कर देंगे, यानी कि जो आगे की नोड्स हैं हम उनको ट्रेवर्स नहीं करेंगे। सही है। तो ये कंडीशन यहाँ पर गलत हो गई है कि विंडो फोर से स्टार्ट होकर थ्री पर जा रही है, दैट इज़ रॉन्ग, ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर सर्चिंग स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आगे जो ट्री के पार्ट्स हैं हम उनको प्रून कर देंगे, हम उनको देखेंगे ही। सही है। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग। मिनीमैक्स सर्च अगर हम खाली कर रहे होते हैं तो उसमें हम सारी नोट्स को देख रहे होते हैं, अगर हम प्रूनिंग कर देंगे तो इसका मतलब है कुछ ट्री के पार्ट्स होंगे जो प्रून हो जाएंगे, जिन्हें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। सही, क्योंकि ऑलरेडी जो मिनिमाइजिंग प्लेयर है वो मिनिमम स्कोर सेलेक्ट करेगा, दैट वुड बी थ्री। सही है। तो अल्टीमेटली वो यहाँ पर थ्री, अगर यहाँ पे हम फोर सेलेक्ट भी कर दें तो मिनिमाइजिंग प्लेयर यहाँ से थ्री और फोर में से फोर सेलेक्ट नहीं करेगा, थ्री ही सिलेक्ट करेगा, तो इसलिए आगे के पार्ट्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू थी मिन की दैट वाज थ्री, अब दोबारा ही अपने पेरेंट को पास करेगा, दैट इज़ मैक्स। मैक्स में हम क्या चेंज कर रहे होते हैं, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है अभी फ़िलहाल। अब माइनस इन्फिनिटी और थ्री में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, मैक्स प्लेयर है तो वो बड़ी वैल्यू को देखेगा, थ्री बड़ी है तो वो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की जगह क्या कर देगा, थ्री। सही है। तो अब ये विंडो मेरे पास क्या आ गई, थ्री और इन्फिनिटी। ये आगे पास करेगा अपने चाइल्ड को थ्री और इन्फिनिटी, ये अपने चाइल्ड को पास करेगा थ्री और इन्फिनिटी। सही है। और जब ये पास करेगा तो यहाँ पर मेरे पास इस नोट की वैल्यू क्या आ रही है, वन। वन और थ्री में से बड़ा कौन सा है, थ्री ही बड़ा है, तो ये चेंज नहीं होगा, अल्फा अल्फा वुड रिमेन सेम। सही है। इसी तरह जब वो देखेगा जीरो, जीरो और थ्री में से कौन सा बड़ा है, थ्री ही बड़ा है, तो थ्री चेंज नहीं होगा, इट वुड रिमेन सेम। इसी तरह जब वो टू को देखेगा तो टू और थ्री में से थ्री ही बड़ा है, तो वो नहीं चेंज होगा, इट वुड रिमेन सेम। ऊपर आ जाते हैं, जब दोबारा मिन प्लेयर पर आएंगे, मिन प्लेयर में चेंज क्या चीज़ होती है, बीटा। अब यहाँ पर इन्फिनिटी और थ्री और इन्फिनिटी, इन सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, थ्री, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। ये कंडीशन मीट हो गई, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। सही है। तो हम क्या कर देंगे, ट्री को प्रून कर देंगे, यानी कि हम आगे के पार्ट्स को देखेंगे ही नहीं, जहाँ पर मीट हो गई ये कंडीशन वहाँ पर हम सर्चिंग स्टॉप कर देंगे। तो ये जो ये वाला पार्ट है ये ट्री का प्रून हो जाएगा, ये आगे हम नहीं देखेंगे। सही है। दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा।